नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड ट्रैफिक भी ला सकते हैं और साथ ही में अनलिमिटेड बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आप यहां पे बैकलिंक क्रिएट करोगे वो डू फॉलो बैकलिंक होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया किस प्रकार से होता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक लाना है और कैसे बैकलिंक क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे 40 मिलियन के करीब इसका ट्रैफिक है और मंथली ट्रैफिक 13 मिलियन है। सबसे ज़्यादा इसका ट्रैफिक जो है इंडिया से आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से यह ग्रो भी कर रहा है। चलिए इसका DAPA देखते हैं। DA इसका 82 का है और PA 66 का है। टोटल बैकलिंक जो है वो 2 मिलियन है और स्पैम स्कोर इसका 1% है। तो चलिए आपको इसका नाम बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है DEV.2। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, DEV.2। जब आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप किसी से भी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप किसी से भी अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो शो होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है। बैकलिंक बनाने के लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग क्लिक करने के बाद में थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे वेबसाइट URL दिया गया है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे URL पेस्ट कर लोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो बैकलिंक है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो गया है। तो चलिए आप बात करते हैं कि इस पे पोस्ट कैसे करते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। पोस्ट करने के लिए इसी वेबसाइट के आपको होम पेज पे जाना होगा। जैसे मैं होम पेज पे आ गया हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट पोस्ट का। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट पोस्ट पे, ठीक है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। तो जिस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लेके जाना है उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में उसी वेबसाइट का कोई आर्टिकल जिस पे आपको ट्रैफिक लाना है उस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है और ये मेरा आर्टिकल है एक, ठीक है। मैंने इस आर्टिकल की पोस्ट करनी है तो मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आपको आर्टिकल का जो टाइटल होगा उसको कॉपी करना है और यहाँ पे न्यू पोस्ट टाइटल हर है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसी आर्टिकल का जो पहला पैरा होगा उसको आपको कॉपी करना है और सिंपली उसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हैं, फोटो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से इस फोटो को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फोटो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है रीड फुल आर्टिकल। ये लिखने के बाद में आपको उस आर्टिकल का जो URL है वो कॉपी कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके जो ये ऑप्शन है लिंक का इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको URL पेस्ट कर देना है। तो आपका जो आर्टिकल का URL है वो यहाँ पे लग चुका है और इसको सिंपली पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो पोस्ट है वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे ये आर्टिकल का जो लिंक है वो भी शो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट के लिए अनलिमिटेड ट्रैफिक भी मिल सकता है और साथ ही में अनलिमिटेड बैकलिंक भी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।